डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसका फिलहाल कोई भी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो पाया है। आप सिर्फ कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से इसे मेंटेन कर सकते हैं और इसमें योग आपकी मदद कर सकता है। डायबिटीज का फिलहाल कोई इलाज संभव नहीं हो पाया है। इसे कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस के माध्यम से सिर्फ मेंटेन किया जा सकता है, जिसमें योग आपकी मदद कर सकता है। हेलो दोस्तों, योग हिंदुस्तान के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और मैं हूं आपकी योग इंस्ट्रक्टर प्रीति। आज का सेशन डायबिटीज को लेकर। इंडिया को डायबिटीज की कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ हर 11 में से एक शख्स को डायबिटीज है। बहुत से लोग समझते हैं कि डायबिटीज का सीधा सीधा लेना देना मीठा खाने से है, लेकिन ऐसा नहीं है। डायबिटीज का मेन कॉज है आपकी बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल, जिसे फिक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें योग आपकी मदद कर सकता है। योग न केवल आपको फिजिकली स्ट्रांग बनाता है इस बीमारी से लड़ने के लिए, बल्कि आपको काम भी करता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि एक स्ट्रेसफुल लाइफ डायबिटीज कॉज करती है। आप एक्सपर्ट से पूछें तो मैक्सिमम लोग जिन्हें डायबिटीज है उनकी लाइफस्टाइल बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होती है। तो बहुत जरूरी है कि अगर आपको डायबिटीज है या फिर आपको बॉर्डरलाइन शुगर डिटेक्ट किया गया है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल बदलें और वो चीजें करें जो आपको काम बनाए। आज सबसे पहला आसन जो हम करने वाले हैं उसका नाम है मंडूकासन। मंडूकासन करने के लिए अपनी मुट्ठियां बना लें और उससे नाभि के आसपास रख लें। अब इनहेल करें और एक्सहेल करके पेट को अंदर दबाएं। अब आगे की ओर झुकें जितना ज्यादा हो सके। आप आगे की ओर झुक जाएं। बस कोशिश करें कि जो आपकी रीढ़ है वो सीधी रहे, आप उसे हंच ना करें। अपनी कैपेसिटी के हिसाब से होल्ड करें और फिर धीरे धीरे ऊपर आ जाएं एंड रिलैक्स। एक और बार करेंगे। अच्छा, इस समय कुछ लोग अपने हिप्स को उठा लेते हैं। कोशिश करें कि हिप्स ना उठें, वो आपकी एड़ियों पर ही टिके रहें। रिलैक्स। अगर आप मुट्ठियां नहीं बनाते तो आप एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रखकर पेट को अंदर की ओर प्रेस भी कर सकते हैं। दूसरा आसन हम करेंगे सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन करने के लिए अगेन आपको वज्रासन में बैठना है। अब हम इसी पोजीशन में लेटने की कोशिश करेंगे पीछे जाके। जब आप पीछे जाएं तो हाथों के सहारे इस तरीके से धीरे धीरे, एकदम धीरे धीरे अपनी बॉडी को कंफर्टेबल करते हुए पीछे चले जाएं। अब इस तरीके से अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की कोहनी और लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की कोहनी आप पकड़ लें और उसके बाद पीछे की तरफ हाथों को ले जाएं और इस पोजीशन में रिलैक्स करें। कुछ देर होल्ड करने के बाद फिर हाथों के सहारे धीरे धीरे ऊपर आ जाएं। अगर आपको बैक इंजरी है तो आपको इस तरीके से ऊपर नहीं आना है। मैं पहले के सेशन में भी आपको बता चुकी हूं, आप बाईं ओर करवट लें और फिर उठें आराम से। कोशिश करें कि आपकी कमर पर जोर ना आए। चलिए एक बार फिर करते हैं। एक और चीज, बहुत से लोगों के जो घुटने होते हैं वो पास में मिले नहीं रहते, जैसे कि हम वज्रासन में करते हैं, तो नीचे जाते समय अगर आप उन्हें थोड़ा सा खोलना चाहें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। अभी के लिए यू शुड लिसन टू योर बॉडी और जिस तरीके से आप, हाँ आसन सही होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसमें थोड़े से आप चेंजेस कर सकते हैं ताकि आपकी बॉडी उसे कम्फर्टेबली कर सके।
अगर आप कर सकते हैं तो इस पोजीशन में थोड़ी देर आराम भी कर सकते हैं जब आपको फ्री टाइम मिले। हाँ, बस इसे आपको खाने के तुरंत बाद नहीं करना है। डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए आपका बेली ब्रीदिंग करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। बेली ब्रीदिंग करने के लिए अपने राइट हैंड को आप बेली पर रखें, लेफ्ट हैंड को चेस्ट पर भी रख सकते हैं आप। इसके बाद अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स करें। आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, जब आप इनहेल करें तो राइज योर बेली, अपनी बेली को ज़्यादा से ज़्यादा बाहर निकालें, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट ना करें। जितना नॉर्मली आपकी बेली बाहर निकले उतना निकालें और उसके बाद अंदर ले जाते हुए एक्सहेल करें। आप चाहें तो इसे लेटे लेटे भी कर सकते हैं। बेली ब्रीदिंग करने का मेन पर्पस यहाँ आपके स्ट्रेस को रिलीज करना है, साथ ही साथ आपके पेनक्रियास को एक्टिव भी करना है। जब आप उठे तो बाईं ओर करवट लेकर हाथों के सहारे ऊपर आ जाए। इन योगा पोजेस के अलावा कुछ और चीजें भी हैं जो डायबिटीज को मेंटेन करने में आपकी मदद कर सकती हैं। इनमें सबसे पहला है कि अगर आपको बॉर्डर लाइन शुगर डिटेक्ट हुआ है तो मीठे से दूरी बना ले। अगर आपको डायबिटीज हो भी गया है तो भी आपको मीठे से दूरी बना लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको चिकनी और तली हुई चीज़ों से भी दूरी बनानी चाहिए, हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल भी इसके साथ बढ़ जाए। तीसरा, आपको अपनी किडनी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, इसके लिए आपको भरपूर पानी पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी से वेस्ट है वो एलिमिनेट होता रहे और आपकी किडनी पर ज़्यादा असर ना आए। इसके अलावा आपको अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छी तरीके से आराम करना चाहिए और आपको अपने पैरों का बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। हर हफ्ते में अपने पैरों को चेक करें कि आपको कोई घाव तो नहीं है, आपके पैर ज़्यादा सूज तो नहीं गए हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें दिखाती है कि आपके जो डायबिटीज़ का जो लेवल है, शुगर का जो लेवल है, वो बिगड़ रहा है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, आपको श्योरली मदद मिलेगी। दोस्तों, इसमें कोई दोराय नहीं है कि योग आपके डायबिटीज़ को कंट्रोल और मेंटेन करने में आपकी मदद करेगा, लेकिन एक साथ दवाइयाँ छोड़ना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। आप 30 दिनों के लिए नासनों को अपने रूटीन में शामिल करें, उसके बाद अपना शुगर चेक कराएं, अपने डॉक्टर से बात करें और धीरे धीरे करके अपनी दवाइयों की डिपेंडेंसी आप खत्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि योग सेशन आपको पसंद आया होगा और इससे आपको थोड़ी बहुत मदद मिलेगी। अगर कोई और समस्या है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम ट्राई करेंगे कि उसके लिए एक नया वीडियो बनाया जाए। और ऐसे ही अमेजिंग योग वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।